तो हेलो, कैसे हो सब? बढ़िया। तो स्वागत आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में भाई क्या नेक्स्ट लेवल तबाही होने वाली है। मतलब मज़ा ही आ जाएगा भाई। हाथ, किसे कहते हैं ना भाई, हाथ खुलना गेम में, वो खुलेगा भाई इस गेम में। तो भाई यहाँ उतरते हैं पोचिंग की में। तो भाई उतरते हैं, हमको मिल जाते हैं UMP45। तो यहाँ आसपास मेरे काफ़ी बंदे उतरे थे और काफ़ी फुटस्टेप आ रहे थे। तो भाई चलते हैं फटाफट बंदे के पास, और एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे मेरे को ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग में। तो भाई सबसे पहले इस पर ही रश करेंगे। तो यहाँ इस बंदे की तुलना देते हैं पेटी, और इसके एक बंदा शायद रोड क्रॉस करके भाग रहा था। तो भाई देखो उसे कैसे किल करते हैं। यहाँ मैंने उस बंदे को काफ़ी हिट देने की कोशिश की, लेकिन भाई बंदे की किस्मत अच्छी थी, बच गया। तो लेकिन भाई रश करेंगे उस पर, क्योंकि HP तो उसकी काफ़ी ज़्यादा लो होगी। तो भाई देखो अब क्या होने वाला है। तो यहाँ कर देते हैं इसको क्लियर। गाइस, अगर अभी तक आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आईडी आपके सामने आ रही है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो गाइस क्लिक करके फॉलो करो। और यहाँ सामने वाले घर में से बंदे के आ रहे थे फुटस्टेप, तो देखो भाई इसको कैसे किल करते हैं फटाफट। भाई अगर ये शॉट अच्छा लगा तो भाई लाइक मारना। यहाँ इस भालू के पास कुछ भी नहीं था भाई, डेजर्ट डे लेकर बैठा था ये, तो मेरे को क्या ही मारता। तो यहाँ से मेरे को सक्सेस मिल जाती है और थोड़ी सी एमओ मिल जाती है भाई UMP की। तो भाई चलते हैं बड्डो की तरफ जहाँ से फायरिंग हो रही थी। उससे पहले थोड़ी बहुत हीलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ एक बंदा भाई बॉट की तरह टप 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 करा था। तो भाई मॉली फेंकते, और भाई मॉली क्या ही प्यारी मॉली फेंकी थी भाई। यहाँ सामने कुछ बंदे भागते हुए नजर आते, तो भाई सबसे पहले इनको मार दे। तो यहाँ ये बंदा भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था, तो भाई इसको कर देते हैं नॉक। और ये जो बंदा नॉक पड़ा था भाई इसको कर देते हैं किल, इसके बना देते हैं पेटी। और एक बंदा और भागता हुआ जा रहा था, भाई इसी की पेटी बनाते हैं फटाफट। तो यहाँ लेते हैं भाई थोड़ी बहुत लूट और चलते हैं भाई जहाँ फायरिंग हो रही है और फुटस्टेप वगैरह आ रहे हैं वहाँ चलते हैं भाई फटाफट। तो यहाँ जिन बंदों को हमने नॉक करा था भाई उनको कर देते हैं फटाफट किल, और थोड़ा बहुत स्कोप वगैरह सेट कर लेते हैं। मतलब सब कुछ लूट वगैरह अच्छे से सेट वेट करके भाई चलते हैं जहाँ भी बंदों की फुटस्टेप आ रहे हैं और जहाँ भी फायरिंग हो रही थी। भाई चलते हैं फटाफट उनके पास, उससे पहले अपनी किल लेंगे भाई ताकि हमारी किल चोरी ना हो जाए। ये महाराज जी अलग ही भागते फिर रहते थे भाई, इनको कर देते हैं फटाफट किल, बना देते हैं भाई इनकी भी पेटी। तो यहाँ पर मैं ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग में बैठा ही था, मैं भाई फुटस्टेप आते और बंदे मेरे पर रश कर देते, मैं देखो क्या ही खाएंगे इनको। तो ये बेचारा मेरे पर अकेला रश करने आया था, तो भाई देखो क्या ही बन गया इसके साथ। तो यहाँ ये महाराज जी अकेले रश कर रहे थे हम पे, तो भाई क्या ही पेटी बना दी हमने इनकी। तो यहाँ मैं उस बंदे के थोड़े बहुत दूर ले रहा था, तो भाई आती है बग्गी की साउंड। तो देखते हैं भाई बग्गी वाले को, क्योंकि बग्गी वाला यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। तो भाई देखते हैं उसको थोड़ा बहुत हिट। भाई पोचिंग की छत इतनी सही है ना, आपको बहुत अच्छा अच्छा एंगल मिलेंगे बंदों को मारने के लिए, लेकिन बंदों को भी बहुत अच्छे अच्छे एंगल मिलेंगे तुम्हें मारने के लिए। तो भाई बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अगर आप पोचिंग की छत पर चढ़ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। अभी जैसे ये बंदा मेरे को आके भाई TPP ले रहा था, मेरे को हिट करने ही वाला था, उससे पहले हमने उसको किल कर दिया। और एक बंदा भाई मेरे को सामने से क्या ही DP का स्प्रे देता, बस मैं बच ही गया यहाँ। और ये महाराज जी अलग ही भाग रहे थे भाई, इनको तो दो गोली पड़ते हैं और ये बैठ जाते हैं। अब एक बंदा जो सामने मेरे को हिट दे रहा था भाई, मेरे को करता है रश, देखो भाई उसको कैसे खाते हैं। तो यहाँ ये बंदा पूरा खत्म हो चुका था, और एक बंदा जो ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग में भाग रहा था भाई उसको मैंने नॉक करा था। तो उसका एक टीममेट उसे रिवाइव देने जाएगा जरूर, तो वो भागता भी और मैं हिट देने की कोशिश करता लेकिन बच जाता है। और पीछे से भाई मेरे पे एक AK बढ़ रही थी, तो भाई मेरे को बच के रहना था। देखो भाई जिससे क्या ही AK का स्प्रे आ रहा था, तो भाई देखो कैसे खाते हैं इन दोनों को। तो यहाँ दोनों खत्म हो गए थे, और भाई पीछे AKM वाले को देख रहा था, तो भाई देखो उसको तो क्या बदला लूंगा उनमें।
तो यहाँ भाई उस बंदे की तलाश कर रहे थे इधर से उधर, तो भाई एक बंदे की फुटस्टेप आते हैं, तो भाई देखो उसे कैसे किल करते हैं भाई। मतलब बंदे के पास कुछ था ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग से नंगा घूम रहा था ये, क्या ही किस्मत। और जिस बंदे को हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे भाई, वो मिल जाता है ट्रिपल स्टोरी की छत पे। तो भाई देखो मतलब एंगल ले रहा था मेरे को मारने के लिए, भाई हमने ही मार दिया उसको। तो यहाँ पूछी कि भाई पूरी नेशनल तबाही मचाने के बाद भाई चलते हैं फटाफट ब्रिज पे, क्योंकि भाई ब्रिज से जोन बना था पोचिंग की साइड, तो मतलब ब्रिज से काफ़ी बंदे आने आने आते। भाई चलते हैं फटाफट, गाड़ी वाड़ी उठाते हैं और बंदों के पास चलते हैं। उससे पहले भाई मैं गाड़ी उठाने के लिए आ ही रहा था, तो भाई एक बंदे के फुटस्टेप आते हैं मेरे को सामने वाले घर में से। तो भाई देखो क्या ही उससे, तो इतने प्यारे नेड़ से मारूंगा ना भाई, अगर नेड़ ये नेड़ पसंद है, ये सीन पसंद है ना भाई, लाइक जरूर मारना भाई। देखो क्या ही प्यारा नेड़ आएगा ये, आहा भाई क्या ही प्यारा नेड़ था भाई कसम से। देखो भाई से थोड़ी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा, लेकिन भाई कुछ बोलता बोलता है नहीं। ऑल वॉल पर माइक करके मैं सोचता हूँ कुछ बोलेगा कुछ बोलेगा, लेकिन भाई कुछ बोलता ही नहीं, मतलब गूंगा बहरा बन जाता है। उससे पहले मैं ढूंढता हूँ कि कभी इसका टीममेट तो नहीं है, तो लेकिन होता नहीं है, तो उससे बात बात करता है थोड़ी बहुत, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। तो भाई मुक्के बजाओ फिर। तो यहाँ पूछेंगे से गाड़ी उठाने के बाद आते हैं मैं ब्रिज की तरफ। तो भाई दो बंदे यहाँ भगते फिर रहे थे, तो एक को तो हम गाड़ी से कुचल देते हैं और एक बंदा इसका रह गया, तो भाई उसको भी देखो अब कैसे किल करते हैं बड़े मज़े में। उसको भी मैं कोशिश करूँगा भाई कुचलने की, लेकिन भाई उसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गया। यहाँ मेरे को लगा बंदा कि उस पेड़ के पीछे तो भग रहा है, लेकिन भाई ऐसा नहीं था, वो थोड़ा आगे था और मेरे को लगा बंदा यही है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे और फटाफट किल करते हैं उस बंदे को। तो यहाँ इन दोनों को मारने के बाद भाई थोड़े बहुत लूट वगैरह लेंगे और चलेंगे भाई ब्रिज पे, क्योंकि ब्रिज मेरे को जरूर पता है कि भाई कैंप हो रहा होगा। और ऐसा होता भी है भाई, क्या ही कैंप करके बैठे चारों बंदे, ये गाड़ी वाड़ी लगा के पूरी दावत पानी चल रही है इनकी। अब इनकी देखो भाई क्या ही दावत पानी निकालेंगे अब इनकी। वाह भाई एक स्प्रे में दो नॉक, यहाँ से मेरे को आती है भाई तगड़ी वाली फायरिंग। तो भाई एंगल बदलते हैं और मारते हैं। यहाँ भाई सामने तीन बंदे नॉक हो गए थे और भाई मेरी हेल्थ थोड़ी कम थी, तो भाई फटाफट इंजेक्शन ठोकते हैं और रश करते हैं भाई उन दोनों तीनों चारों बंदे पर। भाई तीन बंदे नॉक कर दिए तो बचा तो फिर एक बंदा, तो भाई एक रिवाइव भी हो गया तो दो ही बंदे बचेंगे, वो हेल्थ पर तो लगा नहीं पाएगा। तो भाई बहुत अच्छा टाइम था रश करने के लिए, तो भाई रश करते हैं फटाफट। अब देखो भाई क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ भाई घूम फिर के आने के बाद भाई आज दोबारा पहुंचिंग की मैं, क्योंकि जोन ये बना था और भाई मेरे पास स्मोक हो रखा था, पता नहीं किसने करा था। तो बंदों को इधर उधर स्पॉट करते हैं और बंदे दिखते हैं भाई हमें ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग में, तो देखो भाई उनको कैसे फटाफट खत्म करते हैं। मतलब दोनों के दोनों बंदे नागिन बन रहे हैं भाई, ऊपर बैठे पता कहाँ नाग बन रहे हैं ये दोनों। नागिन में से एक नागिन को तो मैंने नॉक कर दिया था, मतलब एक नागिन की हेल्थ लो थी। तो भाई दोनों नागिन पर फटाफट रश करते हैं, दोनों नागिन को मारते हैं। यहाँ दो फेंकेंगे प्यारे प्यारे नेड़, अब देखते हैं दोनों में से कौन सा नेड़ प्यारा होगा और कौन सा नहीं। एक नेड़ तो बेकार और एक नेड़ प्यारा नेड़, क्या बात। यहाँ मेरे को लगा भाई कि ये नॉक वाला बंदा खत्म हुआ है स्प्रे में, लेकिन भाई स्प्रे में वो भी लिपट गया। जब मैंने किल फीड देखी तो दो बंदे खत्म हुए, तो मैं समझ गया कि मैंने कहा दोनों बंदे एक ही स्प्रे में गए। वाह तो यहाँ भाई जोन बन चुका था और यहाँ पर भाई पता नहीं इस जगह का नाम क्या है। तो भाई यहाँ हम आ जाते हैं जोन के बीच में थी। हम उस अकेले बंदे पर नेड करते हैं और देखते हैं भाई क्या ये प्यारा नेड उस बंदे को मार पाएगा, और मार दिया भाई क्या ही प्यारा नेड़ था। और यहाँ भाई मैं नेड़ कुक कर रहा था दूसरे घर में फेंकने के लिए भाई, लेकिन नेड़ अपने आप ही छूट गया, मतलब नशे चल रहे हैं भाई पबजी के अलग लेवल। तो यहाँ पर जो एक बंदा था अकेला उसको मैंने किल कर दिया था, तो एक स्क्वाड रह रही थी जो उसके साइड वाले घर में, जो भाई
मतलब वो यहाँ पर हो गई थी 4 vs 1 की सिचुएशन, और पीछे भी, और पीछे भी एक बंदा ऑम चला रहा था, तो भाई देखो उसको कैसे किल करते हैं। यहाँ उस ऑम वाले बंदे को मैंने बैठा दिया, और उसका एक बंदे को और स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई मेरे को दिखता नहीं है। और फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने कहा ये उसको छोड़ो, अब मेरे पीछे जो स्क्वाड है भाई उसको देखते हैं। तो यहाँ 4 vs 1 की सिचुएशन हो गई थी, तो भाई देखो क्या ही मज़ा आने वाला है अब। यहाँ मैंने एक बंदा इसका बैठा दिया था, और एक बंदा, इस बंदे की मैं पेटी बनाऊंगा भाई, क्योंकि क्या पता ये बंदा रिवाइव कर भाई मेरे को ही किल करे। तो इसमें पहले पेटी बनाओ भाई, बंदे की जिसको नॉक कर रहे हो उसकी पेटी बनाते चले जाओ भाई, उससे क्या पता रिवाइव हो के वो तुम्हें ही खाए। तो यहाँ भाई मैं देखता हूँ कि मेरे पास नेड वेड हैं या नहीं, तो भाई नेड वेड तो होती नहीं, तो मैं स्मोक डालता हूँ ताकि अंदर अफरा तफरी मच जाए और बंदे पीछे की तरफ चले जाए, और मैं इससे लूट, इससे नेड वगैरह हो तो इससे उठा पाऊँ। और ऐसा होता भी है भाई, अफरा तफरी मच जाती है और हम इससे नेड उठा लेते हैं, लेकिन भाई ये नेड बहुत ही बुरा था, मतलब गंद जिसे कहते हैं ना जाहिल नेड, ये वो था भाई, कहाँ ही गिरा मेरे को, मतलब आबल मुझे मार वाला काम हुआ था, ये मेरे पे ही गिरा ये नीड। तो यहाँ तो एक कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ भाई, इतने मैंने सोचा अंदर चल के कोल्ड ड्रिंक पीता, लेकिन भाई क्या ही सही टाइम पर मैं अंदर आया और मैं बच भी गया। अगर मैं बाहर रहता तो भाई गारंटेड गया था, और अंडर मैं सही टाइम पर आया हूँ, लेकिन भाई यहाँ भी 1 HP 1-2 HP रह गई थी, 5 HP मान लो भाई, 1-2 HP तो बहुत कम होती है, लेकिन बच जाता हूँ। यहाँ फटाफट हीलिंग करते हैं और भाई ऊपर वाले बंदों पर रश करते हैं। गाइस यहाँ आप सोच रहे हो कि मैंने उस बंदे को हिट दिया और मैं फिर डीजे चला गया, वो मैंने इसलिए करा था कि उस बंदे को हिट दिया, और हिट देने के बाद उसके अंदर जो कैंप कर रहा था वो बंदा ज़रूर भाग रहा था, क्योंकि वो हिट वाला बंदा कहता कि भाई मेरी हेल्थ लो है, जल्दी भाग रहा, जल्दी भाग रहा, बंदा आ गया, तो मैं इसलिए दोबारा नीचे करा। तो गाइस भाई ऐसी स्ट्रैटेजी आप यूज़ किया करो बंदों को किल करने के लिए। और अभी आपने देखा कि जो पीछे से मेरे को पेल रहे थे भाई, वो भी स्क्वाड आ गई मेरे पर रस करने, तो भाई मतलब अब दोबारा 4 vs 1 का सिचुएशन आ चुकी है मेरे पास, मतलब भाई एक साथ 2 स्क्वाड रश करा भाई, एक से फ्री हुआ तो फिर तुरंत दूसरी स्क्वाड रश करते, तो भाई देखो क्या ही अब, या तो मरूंगा या मारूंगा, तो भाई देखो क्या होता है अब, या मरते हैं या मारते हैं। लेकिन भाई अगर ये सीन अच्छा लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करना। यहाँ इनका एक बंदा मैंने नॉक कर दिया था, और एक बंदा भाई मैंने हिट देने की कोशिश करी, लेकिन मेरे को लगा कि उसके कई एक बंदा मेरे पे फायर कर रहा है, तो मैं पीछे हो जाता हूँ, तो इसका मतलब घर के अंदर 2 बंदे हैं, तो भाई मैं उन दोनों पे रश कर देता हूँ। और एक बंदा तो भाई ये क्या ही कहाँ देख रहा था भाई, ये बंदा, इस बंदे को तो बहुत गालियाँ पड़ी हुई कि तो भाई देख कहाँ रहा है। तो यहाँ इनके 2 बंदे मैं ख़त्म कर चुका हूँ और एक बंदा नॉक है, तो इसका मतलब एक ही बंदा रहेगा, और भाई वो मेरे पे अलग लेवल, मतलब इतना हाई लेवल कॉन्फिडेंस था उस बंदे में, भाई मेरे पे अकेला रश करता है वो बंदा, तो देखो भाई क्या होता है उसके साथ। अब बन गई भाई इसकी भी बेटी अकेले बंदे की। भाई अगर ये क्लच अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब मार देना यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को। अब यहाँ पर रह गए थे 2 बंदे, और 2 की नागिन थे, दोनों पूरी की पूरी नागिन थी भाई, और एक नागिन को मैं कर देता हूँ स्पॉट, तो किल करते हैं उसको। एक नागिन की तो मैंने पेटी बना दी यहाँ पर, यहाँ पर मैं एक नागिन की तो पेटी बना देता हूँ, और भाई जोन आ गया था, तो मैं सोचता हूँ कि अब दूसरी नागिन को ना स्पॉट करके चलते हैं फटाफट जोन में। जोन जाऊंगा भाई, हाई एल्टीट्यूड पे जोन वैसे है, तो आराम से स्पॉट कर लेता हूँ भाई, स्पॉट भी कर लेता हूँ, और थोड़ा स्प्रे देते हैं और खेलते हैं किल फटाफट इसको। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी के आइकन में दबा देना, जिससे क्या होगा जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो गाइस लाइक करो वीडियो को, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।